हेलो दोस्तों कैसे हो आप आज मैं आपको एक ही वीडियो में चार चार अलग अलग फ्लेवर्स और बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन के केक दिखाने वाली हूँ ये चारों ऑर्डर मुझे थर्टी फर्स्ट को आई थी और सुबह से शाम तक मैंने इन्हें कैसे कंप्लीट किया चलिए देखते हैं एक छः इंच का थोड़ा सा टॉल टीन है मुझे इसमें एक किलो का बटर स्कॉच केक बनाना है ये ये भी छः इंच का ही है पर हाइट कम है इसकी इसमें आधे किलो का मिक्स फ्रूट केक बनाएंगे हम नॉर्मल हाइट वाला अच्छे से तेल लगा कर पाँच पेपर लगाया है मैंने इसमें और अब ये पाँच इंच का टिन भी मैंने आधा किलो के केक बनाने के लिए ही लिया है इस केक की के हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसमें आधा किलो का ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना है और एक पाओ किलो के चॉकलेट केक के ऑर्डर है ये ओजस के स्कूल फ्रेंड की ऑर्डर है तो बेसिकली ब्लैक फॉरेस्ट और चॉकलेट केक इनके लिए चॉकलेट स्पंज और मिक्स फ्रूट और बटर स्कॉच के लिए वनीला स्पंज बनाना है तो पहले ही पाव किलो के चॉकलेट केक के लिए 75 टू तो 80 ग्राम प्रीमिक्स लिया है मैंने और अब ब्लैक फॉरेस्ट आधा किलो का बनाना है तो इसके लिए 160 टू तो 170 सेवेंटी ग्राम प्रीमिक्स ले सकते हो आप वैसे ही आधा किलो के मिक्स फ्रूट के लिए अराउंड 170 सेवेंटी ग्राम प्रीमिक्स निकाला है मैंने और अब आप बताओ एक किलो के बटरस्कॉच केक के लिए कितना प्रीमिक्स लूँ बताओ बताओ जल्दी से कमेंट्स में लिखो राइट इसके डबल मतलब थ्री फोर्टी टू थ्री फिफ्टी ग्राम तो चारों केक के प्रीमिक्स निकालने के बाद एक पतेले को और साथ में ही और ओ को भी मैंने प्रीहीट के लिए रखा है अब केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम चारों प्रीमिक्स में थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल कर लेंगे फिर से सेम से क्वेश्चन कितना तेल बस एक चीज़ याद रखनी है सौ ग्राम प्रीमिक्स के लिए एक बड़ा चम्मच तेल तो थ्री के लिए थ्री एंड हाफ टेबल स्पून ऑयल फिर ये कितना 170 ग्राम है ना इसके लिए 1.5 टेबलस्पून ऑयल फिर इसमें भी 1.5 टेबलस्पून ऑयल और फाइनली छोटे केक के लिए एक चम्मच से थोड़ा सा कम ऑयल लगा है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग आ सकती है अब पानी कितना डालना है सिंपल जब तक बैटर रिपन कंसिस्टेंसी तक ना आए तब तक फिर भी पानी का अंदाज़ा चाहिए आपको तो ये ध्यान रखना एक किलो के केक के लिए बैटर अगर आप बना रहे हो मतलब अराउंड थ्री फिफ्टी ग्राम प्रीमिक्स का बैटर बना रहे हो तो लगभग एक कप या उससे थोड़ा सा कम पानी लगेगा अब ऑयल और पानी के अलावा अगर आप स्पंज में कोई कलर ऐड करना चाहते हो कोई फ्लेवर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो मतलब कलर इसेंस या इमल्शन ऐड कर सकते हो आप इसमें तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा बटर स्कॉच इसेंस डाल कर मिलाया है और ये वाला केक ना बाकी के केक के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है इसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए तुरंत मैंने इसे एक पतेले में बेक करने के लिए रखा है उसके बाद सेम वैसे मिक्स फ्रूट इसेंस डालकर यह मैंने दूसरे आधे किलो के केक का बैटर रेडी किया है इस छः इंच वाले टीन में जाएगा ये दोस्तों गड़बड़ कितनी भी हो हर एक स्टेप को अच्छे से ज़रूर करना जैसे इस टीन को अच्छे से टैप करना ज़रूरी है नहीं किया तो इसमें बड़े बड़े एयर बबल्स रहेंगे और फिर अपने स्पंज में बड़े बड़े होल्स बन सकते हैं ये आधा किलो का ब्लैक फॉरेस्ट केक का बैटर है इसमें मैंने कोई एसेंस नहीं डाला है आप चाहो तो इसमें चॉकलेट एसेंस डाल सकते हो ऐसे ही छोटे चॉकलेट केक का बैटर बनाकर चार इंच का टीन भी रेडी किया है मैंने और अब प्री हीटेड अगारों के ओटीजी में 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले 15 मिनट इसे बेक किया छोटा वाला केक जल्दी बेक हुआ तो इसको जल्दी बाहर निकाला था मैंने और अब इस बड़े केक को बेक होने में लगभग 30 मिनट्स लगे हैं मुझे पतीले वाले केक को बेक होने में करीब करीब 40 मिनट लग गए तो इन्हें निकालने से पहले इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आना जरूरी है तो मैंने क्या किया ना उतने समय में दो कप व्पिंग क्रीम को अच्छे से व्हीप करके रखा है और जब तक क्रीम व्हीप हो रही थी तभी साथ में ही छोटे चॉकलेट केक के लिए अस्सी ग्राम चॉकलेट में लगभग वन फोर्थ कप व्पिंग क्रीम डालकर ये चॉकलेट गनाश बना रही हूँ पैरलि चारों केक के लिए शुगर सिरप भी एक साथ ही बना दिया है मैंने अच्छे मॉइस्ट केक के लिए शुगर सिरप तो जरूरी है चॉकलेट गनाश भी यहाँ पर रेडी हुआ है क्रीम को भी मैंने बहुत ही बढ़िया से विप कर लिया है इसको एक बाउल में निकाल कर रखा है गनाश नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद इसमें से थोड़ा सा गनाश बचा कर बाकी का एक स्टील के बाउल में निकाल लिया है मैंने बीच बीच में ओजस का तो रहता ही है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए तो उसे देखते देखते मैंने ना यहाँ पर जो हमने दो कप विपिंग क्रीम को विप करके रखा है ना उसमें से थोड़ी सी क्रीम गनाश में डालकर मिलाई है और बढ़िया सी सॉफ़्ट स्मूथ लाइट चॉकलेट क्रीम बनाई है ये क्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे लगा इसमें और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाल डालूँ तो और अच्छा लगेगा अब क्या बस केक को ऊपर से कवर करने के लिए थोड़ा सा गनाश बचाना है ज़्यादातर लोगों को इसी क्रीम की वजह से ही मेरा केक अच्छा लगता है तो दोस्तों ये क्रीम तो रेडी हुई है पर चॉकलेट केक बनाने से पहले ना इस वाइट वाली क्रीम को ढक कर फ्रिज के अंदर रख देती हूँ इसे बाहर छोड़ोगे तो क्रीम पतली हो सकती है मेल्ट हो सकती है तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना और एक क्रीम का बॉक्स मैंने फ्रीज से बाहर निकाल कर रखा है नेक्स्ट केक के लिए एंड फाइनली स्पंज क्रीम शुगर सिरप गनाश इन सारी चीज़ों को अच्छे से रेडी करने के बाद मैंने इस छोटे वाले चॉकलेट केक से शुरुआत की है ओजस की स्कूल की एक फ्रेंड है उसकी जिमनास्टिक्स के क्लासेस में भी साथ होती है उसने उसकी मम्मी ने तो मेरा चॉकलेट केक टेस्ट किया था पहले उन्होंने मुझे पहले भी गणेश फेस्टिवल के समय केक का ऑर्डर दिया था पर उस समय मैं गाँव जा रही थी ना तो वो कंप्लीट नहीं कर पाई अभी मैंने डिसाइड किया है कोई भी ऑर्डर आए कभी भी आए हाँ बस थोड़ा एडवांस में होनी चाहिए मैं इन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूट्यूब चैनल बाकी सोशल मीडिया वीडियो का शूटिंग से लेकर एडिटिंग पब्लिशिंग सारा का सारा काम अकेले करने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों इन सारी चीज़ों से बेटे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा मैंने एक्चुअली जॉब मेरे बेटे के लिए ही छोड़ा था और बाद में ज्वाइन भी नहीं किया क्योंकि घर पर रहकर उसके साथ समय बिताते हुए कुछ तो अर्निंग करना चाहती थी मैं भले ही अर्निंग थोड़ी कम हो जाए चलेगा पर उसको बाहर कहीं पर डे केयर में रखने का मेरा मन नहीं था चलो बातें करते करते इस केक का आइसिंग तो हो गया दोस्तों इसे थोड़ा सा से सेट होने के लिए रख कर ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए ना थोड़ा सा चेरी सिरप बनाया है मैंने कुछ नहीं बस दस बारह चेरीज को ऐसे काट कर एक पतेले में डाल दिया है मैंने और जो शुगर सिरप हमने बना कर रखा था ना पहले उसमें से थोड़ा सा इसमें डाला है इसे गैस पर रख कर दो तीन मिनट अच्छे से उबलने देंगे और तब तक इस केक का, का काम करती हूँ इसका डेकोरेशन उन्होंने बोला था एकदम सिंपल रखो कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें बस आपका केक टेस्ट करना है तो मैंने ना बस उसके ऊपर थोड़ा सा गनाज डालकर चम्मच से इसे अच्छे से फैलाया अच है और चम्मच से ही ऐसे राउंड राउंड वाली डिज़ाइन बनाई है फिर से इसे अंदर रख कर सेट होने देंगे और अब ये देखिए ये चेरी सिरप भी रेडी है इसमें से सिरप और चेरीज को अलग अलग कर लिया है मैंने सिरप को यूज़ करेंगे केक को मॉइस्ट करने के लिए और चेरीज को यूज़ करेंगे लेयरिंग के बीच में अब यह है पाँच इंच वाला आधा किलो का चॉकलेट स्पंज इसकी तीन लेयर्स बनाकर आप चाहो तो चार भी लेयर्स इसके बना सकते हो तो इसकी तीन लेयर्स बनाकर ब्लैक फॉरेस्ट का काम भी कर लेते हैं तो चेरी सिरप से पहले बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे सोक किया है कोई फ्लेवर ऐसे हमने इसमें नहीं यूज़ किया है इसलिए चेरीज़ का इस्तेमाल एकदम अच्छे से करना है इसमें ताकि चॉकलेट के साथ साथ चेरीज़ का भी बढ़िया सा फ्लेवर आए इसमें तो प्लेन वनीला क्रीम ही लगानी होती है तो फटाफट से इस पर क्रीम लगाकर एक्स्ट्रा की क्रीम निकाल ली है मैंने और अब इस पर मैं डाल रही हूँ काफ़ी सारे चेरीज़ के टुकड़े दो ही तो लेयर्स के अंदर चेरीज डालनी है तो भर भर कर डाली है मैंने और अब ब्लैक फॉरेस्ट मतलब डार्क कंपाउंड को घिस कर डालना है आप इसे ऐसे भी डाल सकते हो एक्चुअली नॉर्मली मैं कद्दूकस करके डालती हूँ पर कद्दूकस नहीं मिल रही थी तो आप चाहो तो ऐसे कद्दूकस करके भी इसे डाल सकते हो तो ये बढ़िया सा चॉकलेट और चेरीज का फॉरेस्ट बना है इस पर दूसरी लेयर रखेंगे हम बस ध्यान रखना क्रीम को अच्छे से लेयर पर फैलाने के बाद ही नेक्स्ट लेयर रखना ताकि लेयर्स आपस में अच्छे से चिपक जाए बाद में लिया ले फिस लेना और फिर से इतना सारा चेरी सिरप और काफी सारी क्रीम इस पर लगाने के बाद बचे हुए सारे चेरीज के टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं साथ में ही इतने सारे चॉकलेट को घिस कर डाला है इस केक की डिज़ाइन ना मुझे कस्टमर से ही मिली थी मतलब मैंने ही एक्चुअली बहुत सारे फोटोज़ उन्हें भेजे थे डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए और जो उन्होंने सिलेक्ट की वही बनाई है मैंने इस पर एकदम सिंपल और क्यूट बनेगा केक एक्चुअली मैंने एक दूसरी डिज़ाइन डिसाइड की थी वो मैं आपको और कभी दिखाऊंगी पर आज के चारों केक मुझे बहुत अच्छे लगे कम से कम कलर यूज़ करके बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाई है तो क्रम कोटिंग के बाद मैंने अच्छे से केक का फिनिशिंग किया है और अब एक ब्रश को लेकर सिंपली इसके ऊपर ऐसे घुमाते जाना साइड में भी ऐसे ही ब्रश से डिजाइन किया है मैंने अब ना इस पर मुझे कुछ गोल्डन कलर से काम करना था बहुत दिनों से ना ये गोल्डन और कॉपर मेटेलिक जेल कलर लेकर रखे है मैंने पर कभी इन्हें यूज करने का मौका ही नहीं मिला तो तो सोच रही थी आज इसे केक पर लगा कर देखो पर बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था ये और इससे आपके लिए लेसन है एक बार क्रीम सेट हो जाए ना फिर इस पर और कुछ टेक्सचर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना नहीं तो पूरा ख़राब हो जाता है केक मेरा ऐसे ही हुआ आपको कैमरा में कितना दिख रहा है पता नहीं पर सेट हुए केक पर जब मैंने ऐसे ब्रश घुमाया ना दाने दाने दिखने लगे क्रीम पर फिर मैंने सोचा आज एक्सपेरिमेंट का दिन ही नहीं है क्योंकि केक समय पर डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है तो मैंने फटाफट से मेरे बिगड़े हुए केक पर थोड़ी सी क्रीम लगा ठीक कर, कर दिया इसे थोड़ा सा रिवर्क हुआ है पर ठीक है गलतियाँ करते रहेंगे तभी तो सीखेंगे और फाइनली मैंने ना अपना गोल्डन डस्ट ही निकाल लिया इसमें थोड़ा सा ईवपोरिक्स डालकर एवोपोरिक्स नहीं है तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना चले और अब एक ब्रश की हेल्प से इस पर मैंने ऐसे छीटें उड़ाई है ये गोल्डन छीटे इस वाइट केक पर बहुत ही सुंदर लग रही है अब नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा पिंक जेल कलर डालकर मिलाया है और सिंपल टू डी स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है दूसरे दो केक तो इससे भी कई सुंदर बने हैं दोस्तों एक पर्पल और एक पीच कलर का है पर सबको एक साथ करो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उनका डेकोरेशन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको मंडे को मंडे को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट टू आएगा उन दोनों में टॉपर्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे यूज़ किए हैं और ओवरऑल लुक भी अमेजिंग है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना बेल आइकन को भी दबाना ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और आपके अनुभव कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया